हेलो दोस्तों, नमस्कार। होम्योपैथिक ट्रिक्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक मेडिसिन के बारे में, जिस मेडिसिन का नाम है एपिस मेल। दोस्तों, इसका पावर रहेगा यानी कि शक्ति रहेगा 630 या 200। दोस्तों, आज हम लोग इस मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, ये किस किस बीमारी या फिर किस किस रोग में काम आती है, ये किस चीज़ से बनाई जाती है या फिर इसके खाने के क्या क्या तरीके होते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि आगे आने वाला अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब कुछ मालूम हो जाएगा। दोस्तों, मधुमक्खियों के जहर से इस दवा को बनाई जाती है। दोस्तों, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, उस मेडिसिन का नाम है एपिस मेल। दोस्तों, इसका पावर यानी कि शक्ति रहेगा 630 या 200। दोस्तों, यानी कि कहा जाए कि मधुमक्खी के डंक मारने से जिस तरह का दर्द और जलन होती है, शरीर में कहीं भी उसी तरह का दर्द और जलन होना इस औषधि का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी कि अगर उस तरह का कहीं भी दर्द या जलन हो तो आप इस दवा को बेझिझक ले सकते हैं और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे त्वचा रोग के बारे में, यानी कि यह दवा किस किस त्वचा रोग में या कि स्किन डिजीज में काम करेगी। सबसे पहले दोस्तों, पित्ती, नासूर, फोड़े, छाले, फुंसियाँ, खुजली, लाल चकते और लाली सूजन। दोस्तों, इसमें आगे है त्वचा संबंधित विशिष्ट लक्षण, जैसे कि त्वचा रूखी गर्म, त्वचा गुलाबी लाल दर्द भरी, चमकीले लाल उद्भेद यानी कि दाने, डंक मारन जैसा दर्द, सूजन, जलन, ठंडक से आराम, पनीली सूजन, गुलाबी रंग की सूजन, नासूर में जलन और डंक मारने जैसा दर्द होना, पूरे शरीर का एकाएक फूल जाना, जलन में ठंडक से आराम, पित्ती उछलना, शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ या दाने, पसीने वाले हिस्से पर दाने उभरना। सभी त्वचा रोगों में गर्मी से तकलीफें होती हैं और ठंडक से आराम। खुजली ठंडी हवा में जाने पर बढ़ती है, जबकि सामान्यतः गर्मी से बढ़ा करती है। खुजली बिस्तर में गर्म हो जाने के बाद बढ़ती है। खुजली प्रायः खुजाने पर बढ़ा करती है। दोस्तों, ये है कुछ त्वचा संबंधित विशिष्ट लक्षण। दोस्तों, अब इसमें आता है प्राकृतिक संबंधित, यानी कि रोगी उष्ण प्रकृति का होता है, रोगी गर्मी सहन नहीं कर सकता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे मानसिक लक्षणों के बारे में, यानी कि किन किन मानसिक लक्षणों में यह दवा काम आएगी। तो दोस्तों, इसमें है मधुमक्खी स्वभाव से गुस्सैल होती है, उसी तरह इस औषधि का रोगी भी स्वभाव से गुस्सैल, चिड़चिड़ा, ईर्ष्यालु यानी कि जेलस होता है, किसी भी तरह प्रसन्न न होने वाला, बेकार के कामों में व्यस्त रहता है, हर काम में जल्दी करता है, इसलिए काम को कई बार बिगाड़ भी देता है। दूसरों में दोष निकालने स्वभाव, दिल को ठेस पहुंचाने वाली बातें कह देता है, रोने का स्वभाव यानी कि बिना रोए रह नहीं सकता, बिना कारण के रोता है, बेढंगा यानी हाथ से चीज़ें छूटकर गिर जाया करती हैं, जागृत या निंद्रा अवस्था में यानी कि जगने या सोते समय बच्चा अचानक दिल दहला देने वाली आवाज़ में चीख पड़ता है। दोस्तों, ये सब है कुछ मानसिक लक्षण। दोस्तों, अब इसमें आती है इच्छा, यानी कि दूध और खट्टी चीज़ें। दोस्तों, अब आगे आता है अनिच्छा, यानी कि जिन चीज़ों की इच्छा नहीं होती, जैसे पानी, पेय पदार्थ, प्यास बिल्कुल नहीं होती। इसी के साथ दोस्तों, दर्द मधुमक्खी के डंक लगने जैसे और जलन करने वाली होती है, जिसमें ठंडक से आराम मिलता है। सभी बीमारियां दाहिनी तरफ की होती हैं या दाई तरफ से बाई तरफ बढ़ती हैं, पेशाब कम होता है, हर तकलीफ में प्यास न होना, पेशाब कम होना और जलन करने वाले,
दर्द जिसमें ठंडक से आराम मिलता है। इसमें आगे है दोस्तों वृद्धि, सोने के बाद गर्म कमरे में भीग जाने से। हर्ष, खुजली ठंडी हवा में ठंडे पानी से नहाने से, शरीर खुला रखने से। शक्ति 3 से 200 तक। दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस औषधि के पहले या बाद में रक्षटक्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी औषधियां हैं। कई चिकित्सकों का यह मानना है कि गर्भवती महिलाओं को दूसरे तीसरे महीने में एपिसमेल निम्न शक्ति यानी कि लो पोटेंसी में बार बार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे गर्भस्राव का खतरा रहता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो अच्छे से और ध्यान से देखे होंगे। दोस्तों अगर आपके आसपास कोई है या फिर आपको ऐसी कोई दिक्कत कोई परेशानी है जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप ये दवा लेकर आप ठीक हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये दवा लेनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। और हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आपको इस दवा के बारे में और जानकारी लेनी है यानी कि ये दवा किस चीज़ से बना है इसके बारे में और जानकारी लेनी है, तो मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लोगों के पास जाएगा ये वीडियो उतने लोग अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। और हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स यूज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम लिखिए और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा। तो दोस्तों आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।